नमस्कार, ग्रैंडेस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुपेला में संचालित गुरुनाथ हॉस्पिटल में जमकर हंगामा, परिजनों ने लगाए लापरवाही व बदसुलूकी के आरोप। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, इस फैसले के विरोध में कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन। और देश के प्रधानमंत्री 7 जून शुक्रवार को राजधानी रायपुर पहुंचे, आम जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात प्रदेश वासियों को दी। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को रायपुर में 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे में आए हैं। प्रभु श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की भूमि में उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हम अनेक मंचों से मिलते हैं और नीति आयोग आदि की बैठक में मिलते हैं। हम मांगे भी करते हैं लेकिन उन्हें और दोहराना नहीं चाहता। हम तो मांगते ही रहेंगे लेकिन और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मदद हमको मिलती रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी, राज्यपाल डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, आदरणीय पी एस सिंहदेव जी, आदरणीय डॉक्टर साहु जी, आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, नारायण सिंहदेव जी, अरुण साहु जी, सांसद सुरेश खंडे जी और सभी विपक्षी दिल्ली में सत्रों करता है। हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी आज एक दूसरे दौरे में हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं। छत्तीसगढ़ के धरा में उनका स्वागत है। भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत, सभी अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनेक मंचों में मिलते रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में मिलते ही नीति आयोग में भी निवास कार्यालय में और कभी पत्राचार के माध्यम से यहाँ के विकास के बारे में हम लोग मांग करते रहे हैं। उन मांगों को और बढ़ाना नहीं चाहता। आदरणीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठते हुए और मुझे खुशी है, हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज्यादा ही मिल जाते हैं। आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत और केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे। केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न करते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले, यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का और सभी राज्यपाल संघ हमारे मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सजा को जायज बताते हुए याचिका खारिज कर दी है। फैसला आने के विरोध में अंबेडकर चौक रायपुर में आयोजित धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने इस मामले में कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी व देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। राहुल जी के साथ हम सब कांग्रेस जन अपनी आवाज़ जोड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ मुद्दों को चुनाव के मंच से उठाया था, कर्नाटक के चुनाव के समय उन्होंने उठाया था और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण करके और कोर्ट में ले जाके इनके इन प्रकार फैसले लिए। हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। हम उससे सहमत नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं और न्याय प्रणाली में प्रक्रियाएं जो उपलब्ध हैं हमारे पास देश में, उनको अपना के हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह समय नहीं है, हमारा समाज अभी भी उस मानसिक स्थिति तक नहीं पहुंचा है जिसमें देश के सभी नागरिक अपनी पारंपरिक प्रथाओं को छोड़ दें और कानून और खुद को एक कानून में बांध ले। ये समय नहीं है, अभी हमारा समाज उस मनस्थिति में नहीं पहुंचा है कि सारे देश के सारे नागरिक अपनी पारंपरिक प्रथाओं को और कानूनों को छोड़ के एक किसी कानून में बंध जाए। मैंने पहले भी कहा था कि विवेकानंद जी ने एक धारणा उनकी थी कि एक वैश्विक धर्म होना चाहिए, मानव धर्म, मानव मूल्यों के आधार पर एक वैश्विक धर्म होना चाहिए, लेकिन मानव अभी तैयार नहीं है। ये 20वीं सदी की शुरुआत में विवेकानंद जी ने कहा, वो तो चले गए, हम लोग को छोड़ के चले गए, बहुत जल्दी चले गए, और आज 100 साल से ऊपर हो गए हैं। धर्म के नाम पे आप देखिए क्या स्थिति, क्या विश्व में ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, अन्य धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ताओ चाइना में अलग प्रथाएं हैं, सब मिलके हम एक धर्म बनाने को तैयार हैं? नहीं है। वही स्थिति यूसीसी की है जिसपे गोलवलकर जी का भी हवाला देते हुए कपिल सिब्बल जी ने एक कार्यक्रम में टीवी का देख रहा था, उन्होंने कहा था कि स्वयं गोलवलकर जी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये राय व्यक्त की थी कि यूसीसी नहीं होना चाहिए, हमारे देश में भिन्नता है, हमको उस भिन्नता को बरकरार रखना चाहिए और उस भिन्नता में सौहार्द निर्मित करना चाहिए। ये है, ये होना चाहिए कि अलग अलग समाज हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं, उसको वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। आदिवासी समाज है, हम लोग उनके बीच में रहते हैं, उनकी अनेकों प्रथाएं हैं जो सिविल कोड है उससे भिन्न है, आप उनको कैसे कहिएगा कि छोड़ दीजिए। एक पेशा नियम पे तो आप देखें कि उनकी प्रतिक्रिया कितनी तीव्र आती है, तो ये तो उनकी सदियों की परंपराएं हैं, उनको आप एक तरह से कैसे ध्वस्त कर देंगे। सिख समाज है, उनकी अलग प्रथाएं हैं, अन्य समाज है, उनकी अलग प्रथाएं हैं, मुस्लिम समाज है, उनकी अलग प्रथाएं हैं, तो प्रयास ये है कि फिर हिंदू मुस्लिम कराओ। वो यूसीसी से उनको मतलब नहीं है, पोलराइजेशन कराओ कि हमको शायद फिर से वोट यूसीसी के नाम पे मिल जाएंगे। अब की वो बात नहीं होने वाली है क्योंकि ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, अनेकों धर्म है जो आज तैयार नहीं है, कल हो सकते हैं, 5 साल बाद हो सकते हैं, 50 साल बाद हो सकते हैं, 100 साल बाद हो सकते हैं। विवेकानंद जी ने एक वैश्विक धर्म की परिकल्पना की, तो जब वो स्थिति आएगी तब वैसा हो सके, बहुत अच्छा होगा। अभी बिल्कुल मेरी राय में देश और देश के नागरिक संपूर्णता में तैयार नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं, एक बड़ी संख्या के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन सब हैं अभी समय नहीं आया। अब वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शिवा ले। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना,
बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरूनगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882292714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम,
सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730 7711 7730 7722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर स्थित के गुरुनाथ हॉस्पिटल में भर्ती हार्ट पेशेंट कैंप 1 आदर्श नगर निवासी 75 वर्षीय SA खान को अस्पताल के मेडिकल से एक्सपायरी इंजेक्शन दे दिया गया। अटेंडेंट ने मरीज को लगाने से पहले एक्सपायरी चेक किया तो बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आ गई। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। पूरा मामला सुपेला में संचालित गुरुनाथ हॉस्पिटल का है, जहां हॉस्पिटल की लापरवाही जहां उजागर हुई है, वहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी भी की गई है। बता दें, कैंप एक आदर्श नगर निवासी SA खान, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष बताई गई है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 2 दिन पूर्व ही उन्हें सुपेला गुरुनाथ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जब उन्हें भर्ती कराया गया था तब उनकी हालत काफी बेहतर थी, ऐसा परिजनों का कहना है। वहीं उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है, ऐसा अस्पताल द्वारा कहा गया। इसी दौरान मरीज के परिजनों में से किसी ने मिलने के दौरान एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन देखा। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है, ऐसे में अस्पताल प्रबंधन से बात करने व पूछने पर बदसलूकी अलग की जा रही है। बता दें, ये इंजेक्शन जो वहां एक्सपायरी डेट का रखा हुआ था, ये अस्पताल के ही मेडिकल स्टोर से लिया गया था। अस्पताल परिसर में भड़के परिजनों ने इसकी शिकायत भी सुपेला थाने में कर दी। पुलिस की समझाइश के बाद भी काफी गहमा गहमी का माहौल वहां बना रहा। परिजनों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम के समक्ष बयां की। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कैसे उनके फैमिली को बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। सर, जिस दिन चाहे मर जाएगा मर जाएगा तो आप छुट्टी दे देना था भाई। मैं भी फर्स्ट समझ हम अपना घर मिलेगा मैं एक्चुअल क्या है सर, मैडम उनको देखने के लिए गया है, वहाँ बैठा का भाई का हाथ पकड़ करके बैठा था। मैं मेरी एकदम अचानक नज़र गई कि मैंने यार ये दवाइयाँ क्या क्या चला रहे हैं, आखिर मैं भी देखूँ। मैं जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन नहीं, पूरा इनका जो ट्रे रहता है जिसमें ये दवा मंगा करके रखते हैं और पेशेंट के पास दे देते हैं, मैंने उसमें से उठाया तो एक एक चीज़ देखने लगा। इंजेक्शन पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं बोला ये इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट तो 5वें महीने की है, अभी चल रहा है 7वां महीना, तो ये दवा 2 इंजेक्शन है यहाँ पर पड़ा है, तो इसके पहले भी तो इन्होंने इंजेक्शन लगाया है, वो कौन सा इंजेक्शन है, वो कितने एक्सपायरी हो गए, क्या है, इस पर मुझे डाउट हुआ। इस बात पर फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब बोलते नहीं, इसमें 3 महीने ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन को 3 महीने एक्सपायरी के बाद 3 महीने बाद भी लगा सकते हैं। क्या डेट दिखा रहा है इसमें? बता रहा है 5वां महीना 23 बता रहा है एक्सपायरी, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग है 6वां महीना 21। अच्छा,
छठवा महीना 21 है एक्सपायरी। मैडम ले जाना क्या है, हम तो यहाँ लाए थे इनको अच्छा करने के लिए, लेकिन अब इनके ऊपर से हमारा भरोसा उठ गया है। हम तो कश्मीर पड़ गए कि इनसे इलाज कराएं या ना कराएं। ये यहाँ की रिसिप्ट है, देखिए दवा इन्हीं यही लोग लिखते हैं, ये लोग देते हैं, इन्हीं की मेडिसिन से हम लोग अंदर से ही दवा लेते हैं। जी हाँ, यहीं से हमने परचेस। हाँ, 3 महीने डॉक्टर हमको कहता है कि मैं बोला सर ये 5वें महीना एक्सपायरी है, अभी 7वां महीना चल रहा है, आप इसके ऊपर में आप क्या कहेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसके बाद 3 महीने तक भी हम लोग इसको लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या नाम डॉक्टर? डॉक्टर का नाम है के गुरुनाथ। हमने 4 तारीख को रात में 10:30 बजे पापा को एडमिट की, इनको हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने बताया हमको 4 तारीख को, डॉक्टर्स के जरिए पता चला कि पापा को हार्ट अटैक आया है। बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर साहब ने पूछे कि ये कहाँ हो आप, तो डॉक्टर साहब को पापा ने बोले कि हॉस्पिटल में। मैं कौन हूँ बोले, तो आप के गुरुनाथ डॉक्टर साहब हैं बोले। केस अब हमने एडमिट किया तो उस टाइम पे 4 तारीख को रात में बिना चेकअप के बोल दिया गया था कि किडनी फेलियर है, किडनी फेल हो गई बोले। ठीक है सर बोले, इलाज करिए आप, कुछ हो सकता है बोले। ठीक है, मैं 3 से 4 दिन में कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक करके देने की कोशिश करता हूँ बोले। हमने दवा परचेसिंग जो लिखे, हमने दवा लेकर के आए, जो इंजेक्शन लाए उसमें 2 इंजेक्शन एक्सपायरी डेट की मिली है, उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक और स्पीच दी उसमें कि एक्सपायरी होने के बाद 3 से 4 महीने तक लोग इंजेक्शन दे सकते हैं बोले, ऐसा कुछ नहीं होता ये बोले। जी हाँ मैम, पापा के अंदर जा रहे देखने तो उनके साथ थोड़ा अपशब्द यूज़ किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये बाहर निकली आप लोग नमक हराम है करके बोल रही है, तो गलत है ना मैम, पैसा फ्री में तो है नहीं यहाँ पे, जो होगा बोला गया मैम, इस बात को बोला जा रहा है। हराम खोर अभी भाई को बोले भाई इधर आओ, अंदर में क्या बोलती है, यहाँ पर क्या नमक हराम पेशेंट है, यहाँ से निकलो बोलकर बोलती है। बगार नमक हराम इसके बाप का खाए हम लोग, अंदर में है वो, चलना है मेरी बहन और 2 लोग और एक चचा बैठे, तो उन लोगों को बोलते आप अपने पेशेंट लेके निकलिए बोले बाहर, साले लोग सब पेशेंट लोग नमक हराम है बोले। बोले निकलिए बोले। भिलाई के सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था ने हॉस्पिटल सेक्टर में पौधारोपण कर अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सड़क किनारे बिखरे प्लास्टिक के कचरों की साफ सफाई कर बेल के पौधों का रोपण किया। श्रमिक बहुल्य क्षेत्र के बच्चों के साथ बैठ कर सुरुचि भोजन किया। संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 से मिशन ग्रीन छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत पूरा छत्तीसगढ़ में 10,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश भर में सोशल मीडिया व व्यक्तिगत तौर से मिशन ग्रीन छत्तीसगढ़ अभियान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश को पूर्ण हरा भरा, ऑक्सीजन युक्त व प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइन, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज, उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश एजेंसी को दिए हैं। आयुक्त ने खमरिया सूर्या विहार के पीछे, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे आदि स्थानों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का निरीक्षण कर जायजा लिया। नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल की पहल से वार्ड 12 दुर्गा मंदिर के पीछे इंद्रावती नगर कोहका के अंतर्गत बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण 10 लाख की लागत से निर्मित किया गया है, जिसका लोकार्पण भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा सदस्य विजय साहू, नीता लोधी, पीडब्ल्यूडी प्रभारी एकांश बंछोर सहित एमआईसी सदस्यों, पार्षदों, पूर्व पार्षदों व स्थानीय गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।